हेलो गाइस, मेरा नाम है पंकज एंड यू आर वाचिंग टेक एंड टॉक चैनल। तो दोस्तों, मेरे हाथ में आ चुका है वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट फोन, जो कि अगर मैं बात करूं इस फोन की कंपनी की तो ये केचाउडा A26 है। एंड गाइस, ये बहुत स्मॉलेस्ट है भाई। गाइस, मैं बात नहीं कर सकता, ये मेरी उंगली से भी छोटा सा फोन है। एंड ये रहा इस फोन का बॉक्स, एंड मैं करूंगा इस बॉक्स को अनबॉक्स एंड बताऊंगा कुछ बड़े बड़े फीचर्स इस छोटे से फोन के बारे में। So, बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मेरे चैनल में आप नए हैं, मेक श्योर नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है, सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी सारी अपकमिंग वीडियोस आप देख सकते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं अपने छोटे वाले फोन की तरफ। तो गाइज, ये रहा हमारे पास छोटा सा फोन। एंड मैं इस फोन को ओपन करने से पहले ऊपर नीचे के कुछ हाइलाइट्स बताऊं तो गाइज, कंपनी का नाम मिल जाता है जो कि केचाउडा 26 मॉडल नंबर है। एंड गाइज, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है वन ईयर की वारंटी। एंड नीचे यहाँ पे गाइज, अगर हम इस बटन में 5 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पैनिक बटन ऑन हो जाएगा, जो कि सॉस का फंक्शन होता है। एंड ये गोल्डन कलर में हमारा फोन है। बात करूं साइड में तो साइड में भी यहाँ पे हमें एक मॉडल एंड कंपनी का नाम मिल जाता है। एंड गाइस, पीछे की बात करूं तो यहाँ पे हमें इसकी स्क्रीन 0.66 इंचेस की स्क्रीन मिल जाती है। गाइस, ये 1 इंच की भी स्क्रीन नहीं है, ये 0.66 इंचेस की स्क्रीन है, वो भी FSTN होगा। एंड यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे TF कार्ड, MP3, हम इसमें गाने भी सुन सकते हैं बहुत मजे से। एंड गाइज, यहाँ पे हमें 5th में मिल जाता है ड्यूल कार्ड, ड्यूल स्टैंड बाय। तो गाइज, यहाँ पे हमें मिल जाते हैं 2 सिम डालने का ऑप्शन। एंड 6th में बात करें यहाँ पे डिटैचेबल पॉलीमर बैटरी, तो गाइज यहाँ पे हमें अलग से एक बैटरी मिलेगी जो कि हम इसके फोन के अंदर डिटैच कर पाएंगे। एंड बात करूं फोन के इस बैटरी बैकअप की, तो 800 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि ये फोन को बनाती है मस्त। आप इस फोन में 4 घंटे लगातार बात कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से करता हूं इसको ओपन। सो गाइज, ओपन करने के बाद ही हमें यहां पे फ्रंट में छोटा सा फोन दिख जाएगा। तो 2 मिनट के लिए मैं इसको रखता हूं साइड में। एंड गाइज, हर फोन की तरह यहाँ पे भी हमें एक USB केबल मिल जाता है जो कि आपके फोन को कर देगा ये चार्ज। एंड बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें छोटा सा 800 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो गाइज ये रहा हमारा छोटी सा बैटरी। एंड बॉक्स में गाइज और कुछ नहीं है, तो मैं रखता हूँ इसको साइड में। एंड बात कर लेते हैं ये छोटे से फ़ोन की। गाइस, देख सकते हैं बहुत छोटा फ़ोन है गाइस, 1 उंगली के बराबर फ़ोन है ये। एंड तो आप देख सकते हैं गाइस, कितना छोटा फ़ोन है ये। यहाँ पे हमें कंपनी का नाम मिल जाता है, एंड यहाँ पे नंबर टाइप करने के लिए। तो गाइस, बात कर ले साइड में, तो साइड में कुछ नहीं मिलता, इस साइड में भी कुछ नहीं मिलता। एंड गाइस, बात करें यहाँ पे ऊपर में, तो यहाँ पे हमें जैसे नोकिया के पुराने वाले गाइस फोन में होता था, यहाँ पे हम रस्सी लगा के अपने फ़ोन को सेफ रख सकते हैं। एंड नीचे यहाँ पे आप सबको पोर्ट मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको आप सबको माइक मिल जाता है जो कि आप इसमें साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं अभी आप सबको पूरी चीज़ें करके बताऊँगा इस फ़ोन को। तो मैं जल्दी से इस फ़ोन में लगाता हूँ बैटरी एंड फिर दिखाता हूँ आप सबको इस फ़ोन का। एंड गाइस, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं A26। एंड पीछे की गाइस बात करें तो अब ये साउंड सुन सकते हैं, काफ़ी अच्छी साउंड आ रही है पीछे से। एंड पीछे में भी यहाँ पे हमें कंपनी का नाम मिल जाता है। तो मैं जल्दी से मिलता हूँ आप सबको ये बैटरी लगा के। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे आप सबको ये फ़ोन में नीचे दिखाऊँ तो आप सब देख सकते हैं 2 सिम ड्यूल सिम डाल सकते हैं, जो कि आम बात नहीं है गाइस इतने छोटे फ़ोन में 2 सिम डालना। तो गाइस, अब टाइम है इस फ़ोन को ऑन करने का। एंड गाइस, आपने देखा कि इस फोन में एक मस्त वाला गाना बज। गाइस, आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन काफी छोटी दी हुई है। एंड यहाँ पे हमने अभी सिम नहीं डाली है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर बैटरी चार्ज हो रखी है। आप देख सकते हैं 0.66
इंचेस की स्क्रीन काफी छोटी है। एंड गाइस मैं आप सबको इस फोन के सेटिंग में ले चलता हूँ, तो यहाँ सब आप सबको इस फोन में ब्लूटूथ की सपोर्ट मिल जाती है, जो कि आम बात नहीं है ऐसे फोन्स में मिलना। एंड यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे आप सबको यहाँ पे ब्लूटूथ डायलर, फोन बुक, कॉल सेंटर, मैसेजिंग टूल्स, ऐसे ऑप्शंस आपको भारी भरकम मिलने वाले हैं इस फोन में। एंड सेटिंग में ऑन करेंगे तो हम यहाँ पे फोन सेटिंग, डिस्प्ले, एंड डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आप डिस्प्ले की स्क्रीन LCD दी हुई है, 15 सेकंड में फ़ोन लॉक हो जाता है। एंड यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस दिए हुए थे। सो यहाँ पे सेटिंग के बाद हमें यहाँ पे आपको जितने मर्जी गाने सुनने आप सुन सकते हैं। एंड यहाँ पे आप सबको प्रोफाइल मिल जाएगी, आपको प्रोफाइल में जो भी आपको अपने फ़ोन को करना है साइलेंट तो आप साइलेंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप सब देख सकते हैं वॉल्यूम अप डाउन करने का ऑप्शन, यहाँ पे एक मीडिया खुल गया था। सो दोस्तों बात हो गई इस चीज़ की, अब मैं आप सबको इस फ़ोन का एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आप सब अगर अपने फ़ोन के नंबर डायलर में आप डायल करेंगे तो ये खुद भी बोलता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, गाइज ये काफी फनी है, इंटरेस्टिंग है। ऐसे तो गाइज हमारे नॉर्मल से फोन में भी नहीं होता है। गाइज ऐसी सेटिंग आप सबको कहीं नहीं मिलेगी अगर हम यहाँ पे डायल करते तो, यहाँ पे नॉर्मल सा है। एंड तो ये काफी करने में कूल लग रहा है, मजा सा आ रहा है। दिन भर गाइज करते रहिए इसको। तो गाइज ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इस फ़ोन की, काफ़ी ये अच्छी चीज़ मुझे लगी इस फ़ोन की। एंड गाइज काफ़ी छोटा फ़ोन है ये, वर्ल्ड के सेकंड नंबर पे ये फ़ोन आता है। एंड गाइज अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन की प्राइस की तो ये अराउंड 700 के करीब आता है, जो कि अगर आप सबको ये फ़ोन परचेस करना होगा तो मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप इस फ़ोन को परचेस कर सकते हैं वहाँ से। एंड गाइज यहाँ पे आप सबको ऊपर में दिख रहा होगा बैटरी, म्यूज़िक, एंड यहाँ पे सिम के कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, यहाँ पे टाइमिंग भी मिल जाएगी आप सबको। एंड यहाँ पे आप सबको दिखाऊँ तो यहाँ पे एक भी कॉल हमने डायल नहीं की है। एंड गाइज काफ़ी अच्छा फ़ोन है, काफ़ी छोटा फ़ोन है, बहुत मज़ा आएगा इसको चलाने में, जो कि एक नॉर्मल से हाथ पे पकड़ने पे भी काफ़ी छोटा सा लग रहा है ये फ़ोन। एंड बात करें थिकनेस की तो काफ़ी थिकनेस में गाइज इसकी मोटी दे रखी है। आप 4 घंटे कितने भी घंटे बात करिए, कैमरे का कोई भी ऑप्शन नहीं है। एंड गाइज एक चीज़ अगर मैं आप सबको बताऊँ, यहाँ पर हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं तो अगर हम कुछ रिकॉर्ड, तो यहाँ पे मैंने एक साउंड रिकॉर्ड कर लिया है, अगर मैं आप सबको इस साउंड को सुनाऊं, तो आपने देखा यहाँ पे एक छोटी सी साउंड थी। एंड यहाँ पे आप सबको एक एप्लीकेशन मिल जाएगी जोन की। एंड गाइस मैं एक चीज बताना भूल गया था, गाइस इसमें आपको 32 KB की बड़ी वाली रैम मिलने वाली है। आपको यहाँ पे FM रेडियो का भी ऑप्शन मिल जाएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रेडियो की। गाइस साउंड तो काफी बढ़िया लग रही है इस फोन की। तो यहाँ पे भी हमें इस रेडियो का काफ़ी बढ़िया ऑप्शन मिल जाता है इतने छोटे से फ़ोन में। गाइस इतनी सारी चीज़ें देना कम बात नहीं है, जो कि ये कंपनी ने बनाया है फ़ोन। एंड दिखने में तो गाइस काफ़ी बढ़िया लग रहा है फ़ोन। एंड ये यूजेस पे बताता है कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। गाइस अपने जेब से आप निकालेंगे तो काफ़ी लोग आप सबको देखेंगे कि बंदा कौन सा फ़ोन निकाल रहा है।
सो गाइज यही थी मेरी आज की वीडियो इस फोन के अनबॉक्स के ऊपर। आप सबको ये वीडियो देख के मजा आया तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। होपफुली आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ये छोटे से फोन के अनबॉक्सिंग अच्छी लगी हो। अगर ऐसे ही आप सबको मजेदार मस्त मस्त वाले कंटेंट चाहिए तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड गाइज यही थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।